नमस्कार, मैं सुरेश कुमार और आप देख रहे हैं पल पल। जिला के मुख्य डाकघरों में पेपरलेस इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की सुविधा 1 सितंबर से शुरू हो गई है। भारत सरकार द्वारा डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए कैथल जिला के मुख्य डाकघरों में पेपरलेस इंडिया पोस्ट के पेमेंट की बैंक सुविधा 1 सितंबर से शुरू हो चुकी है। 1 सितंबर को हरियाणा के राज्य मंत्री कृष्ण बेदी कैथल के मुख्य डाकघर में स्थापित किए गए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की शाखा का उद्घाटन भी कर रहे थे। अंबाला शहर डाक विभाग के परिमंडल अंबाला के सहायक निदेशक आईसी गर्ग और परवीन अरोड़ा ने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की विस्तार पूर्वक जानकारी दी। गर्ग ने कहा कि सरकार द्वारा पूरे देश में स्थापित किए गए 650 पोस्ट पेमेंट बैंक का मुख्य उद्देश्य डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देना है। इसके साथ ही इस बैंकिंग सेवा में डाक सेवा के माध्यम से डाकिया अंगूठे के माध्यम से उपभोक्ता का लेन देन करवाएगा, जिसके 2 फायदे होंगे। पहला यह है कि इससे कम शिक्षित लोगों को फायदा, दूसरा एटीएम में होने वाली ठगी से भी लोग उसका शिकार होने से बच सकेंगे। यह सुविधा उपभोक्ताओं को डोर टू डोर भी मिलेगी। इस मौके पर प्रवीण अरोड़ा, मुकेश, विजय सिंगला, तरुण सहित अन्य कर्मचारी भी मौजूद थे। आप देख रहे हैं पल पल कैथल से नवीन मल्होत्रा की ये रिपोर्ट। अकाउंट होंगे, एक चालू खाता होगा और दूसरा एसबी खाता होगा। एसबी खाता की लिमिट 1 लाख की होगी और चालू खाता में मतलब आप लोग किसी भी तरह का पेमेंट वगैरह उससे ऑनलाइन भी कर सकते हो। तो सर, ये नेशनलाइज्ड डाक खाने का अपना बैंक होगा, 100% इक्विटी इसकी होगी और ये डिपार्टमेंट के साथ ही कोऑपरेशन करके मतलब ये सारा काम करेगा। ऑनलाइन वगैरह ये डिजिटलाइजेशन के साथ में मतलब सारा मतलब ऑनलाइन बैंकिंग करेगा। जैसे हमारे रूरल एरिया में 2 लाख के करीब जो गांव थे वहां पर ये कवर नहीं था, बैंकिंग मतलब व्यवस्था से कवर नहीं था। अब ये सारे मतलब वहां पर जितनी हमारी 1,55,000 डाकखाने हैं वहां पर पूरे के पूरे 6.5 लाख मतलब डाकखाने जैसे रूरल एरिया वगैरह में सब बैंकिंग व्यवस्था देंगे। मतलब रेमिट ट्रांसफर यानी कि मनी ट्रांसफर का काम होगा, रेमिटी भेजेंगे, बिल वगैरह पेमेंट वगैरह वो करेंगे, सब तरह के मतलब फीस वगैरह भी कर सकते हो, वो मनी ट्रांसफर करेंगे और जैसे आरटीजी मतलब और क्या ट्रांसफर ऑनलाइन वगैरह ये डिजिटलाइजेशन के साथ में मतलब सारा मतलब ऑनलाइन बैंकिंग करेगा। जैसे हमारे रूरल एरिया में 2 लाख के करीब जो गांव थे वहां पर ये कवर नहीं था, बैंकिंग मतलब व्यवस्था से कवर नहीं था। अब ये सारे मतलब वहां पर जितनी हमारी 1,55,000 डाकखाने हैं वहां पर पूरे के पूरे 6.5 लाख मतलब डाकखाने जैसे रूरल एरिया वगैरह में सब बैंकिंग व्यवस्था देंगे। मतलब रेमिट ट्रांसफर यानी कि मनी ट्रांसफर का काम होगा, रेमिटी भेजेंगे, बिल वगैरह पेमेंट वगैरह वो करेंगे, सब तरह के मतलब फीस वगैरह भी कर सकते हो, वो मनी ट्रांसफर करेंगे और जैसे आरटीजी मतलब और क्या ट्रांसफर इसमें एक तो रेमिटी पहले पोस्ट ऑफिस के थ्रू नहीं है, इन लोगों को बैंक में जाना पड़ता था। अब ये रेमिटेंसेस की फैसिलिटी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के थ्रू एक तो गवर्नमेंट ये शुरू करना जा रही है। सेकंडली हर तरह के बिल पेमेंट्स हैं, आप लोग इसके थ्रू करवा सकते हैं। इसके अलावा हम जो इसके सेकंड स्टेज होगी उसमें थर्ड पार्टी प्रोडक्ट लोन का है, थर्ड पार्टी एग्रीमेंट का है और लोन वगैरह लोन फैसिलिटीज वगैरह है, क्रॉप इंश्योरेंस है, हर तरह की जो कंपनीज है जैसे बजाज अलायंस के साथ हमारा ऑलरेडी टाई अप हो चुका है इस बारे में इंश्योरेंस के बारे में तो। और इसके अलावा जितनी भी तरह की सब्सिडीज हैं, अभी सिर्फ सोशल सिक्योरिटी पेंशन का भुगतान हमारे पोस्ट ऑफिस के थ्रू हो रहा है। इसके अलावा जो सिलेंडर की जैसे सब्सिडी आती है गवर्नमेंट का मेन यही है कि जितने भी तरह की सब्सिडी है वो हम इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के थ्रू ही इसका वो करें। तो ये मतलब ड्रीम प्रोजेक्ट है प्राइम मिनिस्टर जो है मोदी साहब का और खुद वो मॉनिटर कर रहे हैं, तो इससे हमें पूरा मतलब विश्वास है क्रांतिकारी बदलाव आ जाएगा। और ये जी कई लोग इसमें ऐसे हैं हमारे जो बैंकिंग से भी खाता खोले जुड़े नहीं हुए हैं उनके लिए है ये। जैसे कि हमारे 3 लाख के करीब पोस्टमैन होंगे पूरे उसमें इंडिया में, 3 लाख के करीब पोस्टमैन है हमारी जीडीएस इसमें एक